आम हर खासू आम को पसंद है, लेकिन यदि इनामों की चोरी को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड कुत्तों के साथ दिन रात रखवाली करते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मिठास और गुण कितने खास होंगे। आम को फलों का राजा कहा जाता है। दुनिया भर में भारत के आमों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम आपको दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जापान में पाए जाते हैं। ये जापानीज वैरायटी है, इसका टाइनो टमेंगो इसका नाम है, और जिसको सूरज का अंडा इस आम को कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत शानदार आम होता है। इन आमों की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो है। ऐसा नहीं है कि इस आम का स्वाद लेने के लिए जापान जाना होगा, आपको ये जबलपुर के एक बगीचे में मिल जाएगा। ये आम का वेट 1 से 1.5 किलो के लगभग जाता है, और बहुत सुंदर, देखने में भी सुंदर, खाने में भी उतना ही, जैसा यथा नाम तथा गुण उसी तरह का ये फल है। इन आमों की चोरी को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड कुत्तों के साथ दिन रात रखवाली करते हैं। नाइट गार्ड रहते हैं हमारे यहाँ पर 2, मगर 2 नाइट गार्ड काफी नहीं थे, तो एक स्पेशली गार्ड इन बच्चों के पास ही बैठाना पड़ा है, ताकि एक गार्ड की ड्यूटी लगाए कि केवल इन बच्चों को गार्ड करे वो। और डॉग्स लास्ट ईयर हमारे पास सिंगल था, तो इस साल 9 डॉग्स किए हैं हमने, उनमें से 2 डॉग्स यहीं पर बंधे रहते हैं इनके आसपास, ताकि पिछले साल की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दुनिया के सबसे महंगे आम का पेड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही नहीं बल्कि पूर्णिया में भी मौजूद है। पूर्णिया के भट्टा दुर्गाबाड़ी स्थित अजीत सरकार के दामाद और उनके परिवार के सदस्यों का ऐसा दावा है। ये पेड़ दरअसल आज से 25-30 साल पहले मेरी वाइफ डॉक्टर रीमा सरकार को किसी ने गिफ्ट किया था, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए थे, उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये लगाने के बाद हमें भी मालूम नहीं थे कि ये इस तरह का आम होगी। मुझे भी लगा कि ये भारतीय जो आम बिकते बाजार में वो इस तरह का आम होगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये आम इतनी खूबसूरत और ये इतनी महंगी आम होगी, ये भी हमको जानकारी भी नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जबलपुर में चरगवा रोड पर संकल्प परिहार और रानी परिहार का बगीचा है। यहाँ 14 अलग अलग किस्म के आम हैं। मलिका है, वो हापुस का अपर वर्जन है और काफी हॉट सेलिंग भी रहता हमारे यहाँ का, तो मलिका है, आम्रपाली, जोसा, दशहरी, लंगड़ा, और भी जापानीज वेराइटी, इसके अलावा ब्लैक मैंगो है और पर्पल मैंगो जो $80 के 2 पीस में जाता है, वो वाला आम भी है। इसके अलावा थाईलैंड की भी कुछ वेराइटीज है आम की। इनमें से सबसे महंगे आम तयो नो तमागो के भी कुछ पेड़ हैं, और बीते 4 सालों से इनमें लगातार फल आ रहे हैं। जापान में ये पॉली हाउस वगैरह में होता है, एक संरक्षित तो उसमें होता है। यहाँ पे अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर इनको वो हो रहा है, अभी बच्चे छोटे भी हैं, प्लांट्स छोटे हैं, इस वजह से इसमें 4 से 5 फल आते हैं। आगे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो इसमें फल की तादाद भी बढ़ेगी और रोटेशन भी ज्यादा होगा। जापान में आम को पॉली हाउस के भीतर उगाया जाता है, लेकिन भारत में इसे खुले वातावरण में भी उगाया जा सकता है। यहाँ का वेदर उनको सूट हो रहा है और यहाँ हो रही है जी। अभी शुरुआत हुई है तो सभी जहाँ मेरे यहाँ जितने भी वेराइटीज लगी उन सभी में आम आया है। पल्प रहता है, रेशा नहीं रहता है जी, सिर्फ जूसी और पल्प। लगभग अभी 1 महीने का समय, 1 महीना तो मान के चल लीजिए कम से कम, ये आते हैं एक्चुअली आते हैं लगभग जुलाई में आते हैं, बच्चे पूरी अपनी रौनक में कलर में जुलाई में आते हैं, काफी खूबसूरत है। इन महंगे आमों की खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बगीचे पर चोरों की नजर होती है और वे महंगे आमों को चुरा कर ले जाते हैं और उन्हें कौड़ियों के दाम बेच देते हैं। देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने इसमें इसकी बाइट दिखाई थी, तो उसके बाद काफी चर्चा में आ गया था, और तीसरे दिन करीब 14 आम इसके चोरी हुए थे, पर्टिकुलर केवल ये आम ही चोरी गए थे, बाकी किसी आम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। इस बगीचे में अलग अलग कोनों पर 9 कुत्तों की गार्ड के साथ तैनाती की गई है। आने वाला भविष्य निस्संदेह रूप से इनामों का है, और जबलपुर शहर की माटी में इन बच्चों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इनकी बढ़त और इनके फ्रूट काफी अच्छे आ रहे हैं, तो निस्संदेह आने वाला भविष्य ही बच्चों का। यदि सरकार का उद्यान विभाग इस ओर ध्यान दे तो तयो नो तमागो और अन्य विदेशी आम की किस्मों का सामान्य जन भी स्वाद ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।